आप देख रहे हैं वार्ता 24। आखिर रूस के लूना 25 के साथ क्या हुआ, क्यों हो गया मिशन फेल? क्या भारत को नीचा दिखाने के फिराक में था रूस? अगर नहीं तो एक साथ लॉन्चिंग की क्या थी जरूरत? कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी है लूना 25 के फेल होने का कारण? जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड होने के लिए बेकरार है। इसरो ने लैंडिंग के लिए 23 अगस्त शाम 6 बजे का वक्त दिया है। हर हिंदुस्तानी की नजर इसी मिशन पर टिकी है, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 चांद पर अपने कदम रखे उससे पहले ही एक बड़ा हादसा हुआ। जी हाँ, एक हादसा जिससे अब हर हिंदुस्तानी के मन में एक सवाल उठ रहा है। अब वो सवाल क्या है, ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही इसरो की टेंशन का कारण क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि रूस का मिशन लूना 25 भी चंद्रयान 3 के करीब था और चांद पर लैंड होने वाला था, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले उसके साथ हादसा हुआ। लूना 25 चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 के बाद उड़ान भरने वाला रूस का यह मिशन उससे पहले लैंड होने वाला था, लेकिन रूस का यह मिशन अधूरा ही रह गया। अब आखिर रूस के लूना 25 के साथ क्या हुआ, क्यों ये मिशन फेल हो गया, इसको लेकर अभी तक जो दावे किए गए हैं, आइए उसे समझते हैं। रूस का लूना 25 भी इसरो के चंद्रयान 3 की तरह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला था। ये पिछले 5 दशक में रूस का पहला मून मिशन था, जिसके लिए वो काफी उत्साहित था। रूसी स्पेस एजेंसी ने रविवार को ये जानकारी दी कि शनिवार दोपहर 2:57 पर उसका संपर्क लूना 25 से टूट गया था। बार बार संपर्क साधने की कोशिश हुई, लेकिन एजेंसी उसमें सफल नहीं हो पाई। करीब 800 किलोग्राम का लैंडर चांद की सतह से टकरा गया, जिसकी वजह से लैंडर की चांद पर लैंडिंग नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक जैसे ही लूना 25 चांद के बेहद करीब पहुंचा, तो वो अपनी तय कक्षा से अलग कक्षा में चला गया था। इसी के दौरान संपर्क टूटा और चांद की सतह पर टकराने की वजह से वो क्रैश हो गया। अब रूसी एजेंसी ने एक कमीशन का गठन किया है जो इस मिशन के फेल होने के कारणों की पूरी जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। अपने आधिकारिक बयान में रूसी एजेंसी ने बताया कि जब लैंडिंग का ऑपरेशन हो रहा था, तो उस वक्त कुछ ऐसा घटा जिसने चीजों को अचानक से बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से आखिरी मैनवर पूरा नहीं हो पाया और मिशन हाथ से निकल गया। आपको बता दें, जब साल 2019 में भारत का मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, तब तत्कालीन इसरो चीफ के सिवन ने एक बात कही थी जिसके मायने अभी तक निकाले जाते हैं। उन्होंने बताया था कि लैंडिंग से पहले के आखिरी 15 मिनट एक टेरर की तरह होते हैं। इसी को पार करना पूरे मिशन का सबसे मुश्किल पल होता है और कई बार यहाँ चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। रूस के लूना 25 के साथ भी कुछ ऐसा ही घटा, जहाँ चीजें हाथ से निकल गईं और जो रूस 20 से 21 अगस्त को चांद पर लैंड होने का दावा कर रहा था, वो अपने मिशन में सफल नहीं हो सका। आपको बता दें, चांद पर पहुंचने की होड़ में अभी तक रूस और भारत साथ साथ दौड़ रहे थे। अब जब लूना 25 फेल हो गया, तो चंद्रयान 3 ही अकेला मिशन बचा है। इसरो पिछले 3-4 दिनों से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को संभालने में लगा हुआ है और इसे अब लैंडिंग की पोजीशन में लाया जा रहा है। इसरो ने अनुमान लगाया कि 23 अगस्त शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग सफल होती है, तो भारत चांद की सतह पर अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा। साथ ही वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। आपको बता दें, इसरो अपने इस मिशन का लाइव प्रसारण करेगा। शाम 5:27 से 23 अगस्त को लैंडिंग से जुड़ा मोमेंट पूरी दुनिया लाइव देख सकेगी। बता दें कि इसरो ने 14 जुलाई को अपना मिशन लॉन्च किया था। करीब 1.25 महीने के सफर के बाद चंद्रयान 3 चांद के करीब पहुंचा और अब चांद पर लैंड करने के लिए तैयार है। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चांद की कक्षा में एंटर हुआ था। 16 अगस्त से उसे चांद के करीब लाने की प्रक्रिया चल रही है। अब हर हिंदुस्तानी को 23 अगस्त का बेसब्री से इंतजार है। खैर, उससे पहले इस खबर से जुड़ी नई अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए वार्ता 24। आप देख रहे हैं वार्ता 24।